इज़ अलादिता एंड यू आर वॉचिंग वन मैन शो। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जनाब आज का शो होने वाला है बहुत ही फुल ऑफ फन, क्योंकि जो पर्सनैलिटी आज हमारे साथ वन मैन शो में मौजूद होंगी वो ना सिर्फ एक अमेजिंग पर्सनैलिटी है, अमेजिंग इंसान है, बल्कि बहुत ही बाकमाल अदाकार हैं। हर ड्रामे की जान, हर फिल्म की शान, अमेजिंग मुस्कुराहट वाले अरफान मोतीवाला साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अल्लाह देता और तमाम देखने वालों को वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, बिल्कुल। आपकी जो मुस्कुराहट है यही आपको सबसे मुनफरिद बनाती है। तो सबसे पहले तो ये बताइए, क्वारंटीन में क्या किया? थैंक यू। तो क्वारंटीन में शुरू के 10-12 दिन जो थे वो थोड़े से टफ थे, क्योंकि आदत नहीं है घर में रहने की। लेकिन ये कि उसके बाद फिर समझ गए कि ये रात है, सुबह होनी है इसकी। तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि हम इस रात को टेंशन में, डिप्रेशन में गुजारें या हंसते खेलते गुजार दें। मैंने जो पहला ऑप्शन है हंसते खेलते गुजारने वाला, वो वाला किया। लाइव जाना शुरू कर दिया, मुख्तलिफ एप्स हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे पास ये चीजें हैं, वरना ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये चीजें भी नहीं, जिससे टाइम पास भी हो जाए। तो बस अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। सर, आप हमें अमूमन जो है वो कॉमिक्स रोल में नजर आते हैं, तो कॉमेडी करना कितना आसान है और कितना जरूरी है, क्या समझते हैं आप? ये अमूमन जो है ना, ये ऐसा है कि लोगों ने पसंद मेरा कॉमेडी किया, वरना मैंने ज्यादा काम जो किया है वो सीरियस किया। और अभी जो मेरी फिल्म आ रही है कायद आजम जिंदाबाद, वो भी सीरियस है, उसमें कोई कॉमिक नहीं है। फिर एक और फिल्म आ रही है वो भी सीरियस है, फिर एक सीरियल आ रही है वो भी सीरियस है। इसके अलावा मेरी जो खतरनाक सीरियस ड्रामे है वो मन प्यासता है, जो TV1 से चली है, जिसमें मैं साइको पूरी सीरियल में नुमान एजाज के साथ दिखाया गया हूँ, वो लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएंगे। ये पे एक और सितम है जिसमें ट्रांसजेंडर का करेक्टर अदा किया है, साइको है वो भी। बहुत सारे सीरियस किए, लेकिन हाँ बुलबुले की वजह से जो है सिटकॉम में ज्यादा वो थोड़ा सा हो गया। तो कॉमेडी हालांकि मुश्किल काम है मेरे लिए, जो सबसे आसान काम है वो सीरियस, मतलब सबसे आसान मेरे लिए काम है कि सीधा सीधा करेक्टर, मेरे लिए मुश्किल काम है जो बिल्कुल सीधा करेक्टर होता है, मुझसे सीधे करेक्टर नहीं होते, टेढ़े मेढ़े करेक्टर होते हैं। आपने काम किया, फिल्म में काम करने का तजुर्बा, ड्रामा में काम करने का तजुर्बा, कैसा डिफरेंट है एक दूसरे से? दोनों का अपना वो है। फिल्म एक बड़ा विजन है, क्योंकि जो भी एक्टर होता है उसका, उसकी ख्वाहिश होती है कि फिल्म बड़ी स्क्रीन में हो, फिर वो पहले वो नेशनली हो, फिर वो मल्टी, फिर इंटरनेशनली हो, तो हर एक का ख्वाब होता है और अल्लाह का शुक्र है कि पूरा हो रहा है। अभी एक मैंने सीरीज भी की है प्राइम अमेज़न के लिए, वो भी इंशाल्लाह जल्द सीजन, जो फर्स्ट पहला सीजन है वो भी जल्द इंशाल्लाह देखेंगे लोग। नहीं, वेब सीरीज के बारे में बताएं, कास्ट में कौन-कौन है? कास्ट में क्या बताएं, क्या कुछ सीरीज के बारे में? उसमें सारा खान है, बिलाल अब्बास हैं और अनुशे हैं, बहुत बड़ी कास्ट है। नुमान भाई हैं, सवेरा नदीम है, बड़ी कास्ट है। देखें उसका, मेरा ख्याल आखिरी का काम थोड़ा क्वारंटाइन की वजह से रुक गया था, वो कंप्लीट हो रहा है, कब आती देखते हैं। हमारे यहां जो है वेब सीरीज का एक कल्चर अप डेवलप हो रहा है, तो उस बारे में आपका क्या रद्देमल है, क्या तासुर है? दौर के हिसाब से चलना चाहिए। अभी नेक्स्ट जो एरा है वो डिजिटल दौर है, तो उसके हिसाब से चलना चाहिए। आहिस्ते ये भी नहीं होता कि बिल्कुल एक चीज, आपको याद होगा जब ड्रामे चल रहे थे तो फिल्में आई, तो एक्टर ने कुछ एक्टर्स ने कोशिश की कि हम सिर्फ फिल्म करेंगे, ड्रामा नहीं करेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। 2-3 मेरे कोलीग हैं जिन्होंने ऐसा किया था, तो उन्होंने 1-1.5 साल बाद फिर वापस से वो ड्रामे भी करने लग गए। तो यहाँ पे भी इतनी, पाकिस्तान की मार्केट इतनी बड़ी नहीं है कि आप कोई फैसला करके उस चीज के लिए वो हो जाए। तो फिल्म, ड्रामा, वेब सीरीज, ये सारा हमारे एक्टिंग की मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं जो हमें सारी करनी होती हैं, थिएटर होता है, तो ये सारी चीजें करनी होती हैं। किसी एक चीज पर फोकस करके हम बाकी चीजें छोड़ देते हैं। जानदार अदाकारी है आपकी, ये मुनफरिद अदाकारी जो आपको सबसे अलग बनाती है। ठीक सर, आपने बुलबुले में काम किया, उसे बहुत ज्यादा पसंद किया गया। बुलबुले मेरे ख्याल 500 एपिसोड हो गए,
जिस 500 से 600 हो गए, जिसमें से मेरा ख्याल है मैंने किए कोई 40-50, तो वो महीने में एक आध उसका एक सीजन का मैं कर लेता हूँ। उसका एक्सपीरियंस अपना है, उसका एक्सपीरियंस उसके वो जो बच्चों में जो है, तो आप कहीं ऐसी किसी ऐसी जगह पे हो जो टीवी नहीं देखते हो। एक जगह पे हम लोग गए थे, सारे आर्टिस्ट थे, वो फैमिली ने डिनर पे बुलाया, बात का बड़ा डिनर था, तो वहां पे जो फैमिली थी, जो फैमिली हेड थे, वो हमें नहीं जानते किसी को भी, बहुत बड़े बड़े एक्टर थे, किसी को भी नहीं जानते थे क्योंकि वो टीवी नहीं देखते थे। लेकिन जब वो मिलाने के लिए, अब हम आपस में डिस्कस कर रहे थे, यार यहाँ तो कुछ जानता ही नहीं है, ये ऐसी मजाक कर रहे थे, इतने में वो अपने बच्चे मिलाने के लिए लाया कि ये सब कह रहे हैं कि टीवी के एक्टर है, सारे बच्चे मिलना चाह रहे हैं। बच्चे आए तो बच्चे सबको छोड़ के मेरे पास आ गए और ये आपको बुलबुले में देखा है, बुलबुले में देखा है, तो सब यही कह रहे थे कि यार ये देखो इतने बड़े बड़े एक्टर बैठे हैं और ये बुलबुले, तो वो हर एक चीज का एक अलग वो होता है, बुलबुले की एक अलग स्थान है। काम तो काम कोई भी सिटकॉम हो, ड्रामा हो, सीरियल हो, कुछ भी हो। बिल्कुल सर, पड़ोसी मुल्क में काम करने के बारे में आपका क्या ख्याल है? एक्टर की तो कोई लिमिट नहीं होती। बाहर से अगर ऑफर आती है, मैंने किया है, इंडियंस के साथ बहुत सारा काम किया मैंने, लेकिन उनका अपना एक वो है, हमारा एक अपना वो है, लिमिट कोई नहीं है। अगर ऑफर आती है तो करना चाहिए, क्योंकि एक्टर अगर हम कहें कि यार अगर हम बोले कि मैं बॉलीवुड नहीं है तो हम झूठ बोल रहे। हम फिल्में देखते हैं, हम ड्रामे देखते हैं, हम शोज देखते हैं। ऐसा अगर कहें कि नहीं हम, मैं तो कुछ नहीं देखता और मुझे नहीं करना चाहिए, अगर फिर वो एक्टर नहीं है, क्योंकि एक्टर की कोई लिमिट नहीं। आप जाते हैं, हॉलीवुड भी जाते हैं, बहुत सारे हमारे जिन्होंने हॉलीवुड के लिए भी काम किया, तो किसी की कोई सरहद नहीं होती, एक्टर की कोई सरहद नहीं होती। ठीक, अभी सर आपके साथ एक फन एक्टिविटी करते हैं, मैं आपके सामने कुछ अल्फाज रखूंगा, आपने उनको एक एक लाइन में एक्सप्लेन करना। सबसे पहले है अवार्ड शो। सही होना चाहिए। ओके, सही होना चाहिए। पाकिस्तानी फिल्म रिवाइवल है, बेबी है, 5-6 साल का बेबी है, टाइम लगेगा। पाकिस्तानी सिटकॉम, जिस तरह पाकिस्तान के हालात रहते हैं उसमें एक खूबसूरत इजाफा। इमरान खान, उम्मीदें हैं, उम्मीदें हैं। एक्टिंग, मेरा सब कुछ। इंटरव्यूज, अब तो जब से सोशल मीडिया इतनी सारी ऐप आई है तो बहुत, मतलब मैंने आपसे इतने सवाल इसलिए किए कि हर दूसरे दिन एक मैसेज होता है इंटरव्यू। सर ये बताइए, आपने नेटफ्लिक्स पे सबसे आखिर में क्या देखा? नेटफ्लिक्स में शौक से देखता हूँ, और अर्थगल। ओके, पुर्तगाल तो पूरी कौम का बुखार बन चुका है। पता है क्या, लॉकडाउन की वजह से भी, और दूसरा ये कि कल्चर हमारा नहीं है लेकिन इस्लामिक कल्चर है तो देखना अच्छा लगता है। फिर वो जो जो मेन अर्तुगल है, उन्होंने अच्छा एक्ट किया है, बहुत अच्छा एक्ट किया है, तो वो कहीं ना कहीं जाके आप को टच कर जाता है। ठीक, थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि नाज़रीन को भी आज की एपिसोड बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसी तरह का मज़ीद अच्छा कंटेंट देखना है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना सभी का बहुत ही